अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? खैरियत से? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम बैठे हुए हैं भाई अपने भाइयों के साथ। ये नासिर भाई हैं, इधर उमर भाई हैं, इनकी तरफ से जाता हूँ मैं, इधर अपना एक पैगाम पूरा कर लूँ। आज हम लोग बैठे हुए हैं ये सी ब्लॉक के अंदर है पापा पिज़्ज़ा, वहाँ पे सुना पिज़्ज़ा वगैरह बड़ा अच्छा, पहले भी हम लोगों ने एक दो दफ़ा खाया, टेस्ट बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा था। तो आज फिर हम लोग आए हैं टेस्ट करने के लिए। आज उमर की तरफ से उमर ने कहा कि पिज़्ज़ा खिला रहा है, तो इस खुशी में हम लोग आए हैं कि भाई उमर भाई पिज़्ज़ा खिला रहा है। तो अभी उमर से उमर की राय लेते हैं कि उमर क्या कहता है, और फिर नासिर भाई की राय लेते हैं क्या कहते हैं, और नौमी भाई गायब है उसके लिए बात करते हैं। हमें नौमी भाई ने बोला था कि हम 45 मिनट पे यहाँ पे आएंगे, पिज़्ज़ा की दावत और चाय की दावत करेंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे 10:30 बजे से रुक गए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नौमी भाई ने हमें अभी तो ये अभी पिज़्ज़ा आ रहा नहीं आ रहा। अब जो ये नौमी भाई पे ड्यू पड़ गई है, अभी नौमी भाई अगले हफ्ते हमें पिज़्ज़ा भी खिलाएंगे और हमें फिर सैंडविच भी खिलाएंगे और चाय भी पिलाएंगे। जी नासिर भाई, क्या कह रहे हैं आप, आपका नौमी भाई के बारे में क्या ख्याल है? मैं एक बार जमीन जमा एक अच्छा ख्याल है, उन्होंने हमें आदि किए पापा पिज़्ज़ा पे। हम पापा पिज़्ज़ा खाने आए मगर नौमी भाई नहीं है, उनका वेटिंग हो रही, दो दफ़ा चाय पी चुके, केक खा चुके, अब नहीं आएंगे तो अब मजबूरी हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। और तो इसकी पेमेंट कौन करेगा? इसकी पेमेंट करेंगे खालिद भाई, उमर कह रहा है, और वो खालिद भाई कह रहे हैं उमर करेगा, और उमर कह रहा है कि नौमी भाई करेगा, उमर कह रहा है नौमी भाई करेगा, तो मैं कह रहा हूँ नासिर बादशाह करेगा। क्या बात है, नासिर बादशाह डिसाइड कर ले। नौमी भाई आपका इंतजार हो रहा है, आओगे तो नुकसान होगा आपको, और नहीं आओगे ज्यादा नुकसान होगा। नहीं आओगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, सही बात है। क्योंकि कहना चाह रहे हैं उमर साहब तो बात करें। जी उमर भाई क्या कहना चाह रहे हैं, और नहीं आने पे ज्यादा नुकसान है कम नुकसान है? तो अब नौमी भाई के ऊपर ट्रीट पड़ गई है, नौमी भाई अगले हफ्ते पिज़्ज़ा भी खिलाएंगे और क्लब सैंडविच भी खिलाएंगे और चाय भी खिलाएंगे। नहीं अभी तो खालिद भाई का लंबर है, तो वो कैसे खिला सकते हैं? खालिद भाई का आपके पूरे लंबर से चल रहे, यानी कि महीना पूरा मैंने खिलाना है। ये महीना फंस चुके हैं, हमारे मजबूरी है, खालिद की बारी है। अब वो इस महीने के आखिर तो खालिद हमें वाटर पम्प जो मामू कबाब है वो खिलाएंगे वहाँ पे ले जाए। अच्छा, पता नहीं, समझ नहीं आती, गरीब आदमी को फंसाया जाता है यहाँ पे ना, इस्टेब्लिशमेंट लाडला और इस तरह की। नौमी भाई ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त बताते होते हैं ना, ये भी इस्टेब्लिशमेंट और इनके साथ वो होते हैं ना, समझ जाए तो इन दोनों की आपस में चल रही है कि अभी पूरे महीने तक मतलब मुझे फंसाया जा रहा है कि मैंने ये भी खिलाने हैं तो वो भी आगे, फिर नौमी भाई, फिर नौमी भाई कुछ कहेंगे तो आएंगे उनसे बात करेंगे तो क्या कहते हैं नौमी भाई? जवाब दें, और नौमी भाई अगर जो आप मौजूद हैं तो आप जवाब दें भाई हमारी इस वीडियो क्लिप का, तो मैं आपको शेयर करता हूँ भाई। ये जिसका था इंतजार आ गया वो शाकार। नौमी भाई आपका इंतजार हो रहा था, आपको हमने फोन भी किया इसी वजह से। नौमी भाई मुबशिर भाई ने भी बड़े लेट बनाया है आपकी वजह से, उसके बावजूद भी आप नहीं आए, हमने एक घंटे में तैयार किया है ये पिज्ज़ा, मगर आपके नसीब में नहीं है इसका मतलब। ये आपकी जगह आप खाएंगे एडी भाई, एडी भाई क्या खाएंगे आप इनके बारे में? मैं नौमी भाई कैसा लूँगा जी, और नौमी भाई की आज बारी थी पेमेंट करने की। अब तो नौमी भाई अगले हफ्ते तो वो तो अपनी जगह, वो बारी अपनी जगह, वो बारी अपनी जगह, नौमी भाई अपनी बारी में जाएंगे, दो से गारंटी लग गई है। देखो हिस्सा तो आपका ले रहे हैं मगर वहाँ हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब एडी भाई नौमी भाई की जगह पे पेमेंट कर रहे होंगे। चले भाई शुरू करें, तस्वीर खींचो नौमी भाई को भेजो। भाई जिसका इंतजार था आ गया वो शिकार, अभी खाने लगे हैं पिज्जा। यही चीज एक लार्ज ऑर्डर कर दे मुझे, सही है भाई जान? देख लीजिए पापा पिज्जा की क्वालिटी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, हम लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, और सबसे अच्छी जगह यहाँ पे ये कि हवा बड़ी प्यारी चलती है और बेहतरीन। चले मिलते हैं जैसे पहले की पिज्जा खत्म हो जाए। अच्छा नौमी भाई, ये आप यकीनन पहचान चुके होंगे कि ये पहले वाला पिज्जा नहीं है, दूसरा पिज्जा आ गया है, और ये दूसरा पिज्जा की थोड़ी सी तारीफ करेंगे। ये उमर भाई, नौमी भाई दूसरा पिज्जा आ गया है, अब आप आए नहीं, आपने बोला था मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो आप पे डबल ड्यू चढ़ गई है, अब आप हमें दो दफा खिलाएंगे, अगले हफ्ते तो खालिद खिलाएगा, फिर उसके बाद आप खिलाओगे, फिर उसका अगला हफ्ता भी आप खिलाओगे, तो अब आप तैयार रहना और जेब भारी करके रखो। जी नासिर भाई, उमर तो बड़े दिलचस्पी ले रहा है, देख लो आपकी वजह से बैठा हुआ अभी तक पिज्जे के लिए, मगर आप नहीं आए, अब कमी महसूस हो रही है आपकी, आ जाओ जल्द से जल्द आ जाइए। छोड़ो, अब दो ट्रिप उनकी लग गई है, खत्म हो गए कहानी।
नोमी भाई ये एस्टेब्लिशमेंट है, बस ड्यू पे ड्यू, डंट पे डंट और प्लेंटी पे प्लेंटी लगा दें। और उमर जो उस दिन नहीं आया था, जिस दिन मैं भी नहीं आया था, मैंने पिज़्ज़ा खिला दिया। अब उमर कब खिलाएगा ये आप बताएं। उमर खाएगा। और ये एडी भाई, एडी भाई जी कुछ कहना चाहेंगे आप? चाची थैंक यू नोमी भाई, बहुत जबरदस्त ट्रीट है इनकी तरफ से। नोमी भाई की है ना? हाँ नोमी भाई की तरफ से। नोमी भाई की तो अगले हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते, चलो अगले हफ्ते भी, लेकिन ये तो है ना, दो हफ्ते तो नोमी भाई की डबल है। नोमी भाई पिज्जे पे पिज्जा है, देख ले भाई आप ही याद आ रही है और आप ही की सीट पे बैठे हुए हैं। जी जनाब ये क्या कहते हैं, नोमी भाई आ चुके हैं, बड़ी देर के बाद आए हैं। अब नोमी भाई क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के जो क्वेश्चन सुनने के बाद, तो अभी नोमी भाई की राय लेते हैं क्या। जी नोमी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। देखें जो हालात और वाकयात के पेश नज़र और तमाम यहाँ शरीफ लोग जो मौजूद हैं, उन्होंने जो अपने अपने बयान नोट कराए हैं, उसके हिसाब से उमर को अगले एक साल तक खिलाना पड़ेगा हर हफ्ते। हाँ जी उमर साहब एक साल तक भाई। हालात और वाकयात कहते हैं कि पीछे बहुत कंगलापन चल रहा है यार। बात सुनो, इतने पैसे जमा करके क्या करोगे? एक तो होता है शादी शुदा या गर्लफ्रेंड रखी हुई, तो ना आपकी शादी हुई है ना गर्लफ्रेंड, ना बच्चे, ना कोई, किधर लेके जाओगे इतना पैसा? बिजली के पहले सारे बिल देने आवाम को, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी के टैंकर है सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज। नासिर भाई अगर सॉल्व कर देते हैं पानी का मसला, तो फिर जो है ये लाते रहे पानी का मसला। आज कितना पानी आया है? आज दो घंटे पानी था, 3 घंटे पानी आया है। 3 घंटे चाहिए, लोग टैंक फुल हो गए, गलियां फुल हो गई है, और क्या चाहिए इसके अलावा? ये पानी चाहिए तो फिर भाई थोड़ा वेटिंग करनी है यार। ये बात कहीं और जा रही है, बात कहीं की कहीं और जा रही है। अब आप अपनी वीडियो बंद करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। नहीं नहीं अब हम लोग पानी के मसले में बात कर रहे हैं। एक साल की पाबंदी लग गई है भाई अभी उमर भाई के ऊपर। अभी उमर भाई देखते हैं कब तक खिलाते हैं। ये है नोमी भाई का फैसला। आज मैं खिलाऊंगा। आज जो तारीख है, आज क्या तारीख है? आज 15 है, 15 जुलाई 2024। रोने का नहीं, 2024 को मैं खिलाऊंगा।